नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में। ट्रैक्टर की खोज कब हुई, ट्रैक्टर का प्रयोग कृषि क्षेत्र में कब से किया जाने लगा, भारत में ट्रैक्टर का प्रयोग कब से किया जाने लगा, इन सभी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैक्टर की खोज से कृषि क्षेत्र में मशीनरी क्रांति की शुरुआत हुई। ट्रैक्टर का इस्तेमाल कृषि जगत में जमीन जोतकर तैयार करना, बीज डालना, फसल लगाना और फसल काटना, इन सभी कार्यों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1900 तक दुनिया भर में खेती के लिए खच्चर, बैल और घोड़े का उपयोग किया जाता था, लेकिन सन 1903 में अमेरिका के दो वैज्ञानिक चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार ने दो सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का निर्माण किया और सफलतापूर्वक दुनिया का पहला ट्रैक्टर बनाया गया, जिसके बाद इसका कृषि में भरपूर रूप से प्रयोग किया गया। भारत की बात करें तो भारत के किसान कृषि कार्य के लिए मुख्य रूप से बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेकों कंपनियां मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व में सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाने वाला देश भारत है और एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का प्रयोग राजस्थान के गंगानगर में किया जाता है। पूरे विश्व में भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले ट्रैक्टर का प्रयोग भारत के स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति से हुई थी। हरित क्रांति के समय भारत में ट्रैक्टर का उपयोग बहुत अधिक हुआ, या आप कह सकते हैं बहुत अधिक संख्या में हुआ। भारत ने ट्रैक्टर का निर्माण सन 1950 से सन 1960 के बीच में किया गया। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।